नमस्कार दोस्तों, अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा मध्य प्रदेश APS यूनिवर्सिटी रीवा ने PhD के लिए गाइड की लिस्ट जारी कर दी है। तो आप इसमें चेक कर सकते हैं अपने विषय से संबंधित गाइड या सुपरवाइज़र की लिस्ट। इसमें है शोध निदेशकों की सूची, विषय हिंदी। तो जो PhD करना चाह रहे हैं उनके लिए गाइड की ज़रूरत होगी, सुपरवाइज़र की ज़रूरत होगी। तो इस तरह से ये लिस्ट है हर एक सब्जेक्ट वाइज, जिसमें आप सेलेक्ट कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि कौन कौन से प्रोफेसर अवेलेबल हैं PhD कराने के लिए और उनके पास कितनी सीटें वैकेंट हैं। इस तरह से ये पूरी डिटेल है। तो सबसे पहले देखते हैं हिंदी, और इसमें है क्रमांक और शोध निदेशक का नाम एवं पदनाम, पदस्थापना। फिर है पंजीकृत मूल विषय, सह विषय, रिक्त पद, यानी उनके पास कितने पद खाली हैं और जिस प्रकार से। तो इसमें देख सकते हैं आप, जिसमें रिक्त पद खाली होंगे उन्हीं में आपको अप्लाई करने को होगा। जिसमें नील है यानी उनके ऑलरेडी सीटें उनकी फिल हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये पूरा डिटेल मिलेगा, और साथ में जो प्रोफेसर हैं उनका नाम है, साथ में वो कहाँ पर पदस्थ हैं, किस कॉलेज में अभी पदस्थ हैं, उस कॉलेज का नाम भी है। तो इस तरह से आप जो है चेक कर सकते हैं, साथ में वो प्रोफेसर हैं कि एसोसिएट प्रोफेसर हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, उस तरह से उनका डेजिग्नेशन भी मेंशन है। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं, और उनके पास कितनी सीटें वैकेंट हैं उसकी भी डिटेल है, ठीक है। मैक्सिमम 8 सीट तक रहती हैं, ठीक है, लेकिन उनमें अगर पूरी फुल हैं तो नील दिखाएगा अवेलेबिलिटी में, और अगर कोई भी सीट वैकेंट है तो वैकेंट की जितनी लिस्ट है उसमें वो शो होगा। तो इस तरह से हिंदी में जितने भी प्रोफेसर हैं जो कि आपके लिए गाइड होंगे या सुपरवाइज़र होंगे, उनकी ये पूरी लिस्ट है। और अराउंड हिंदी में आप देख सकते हैं 44 जो हैं गाइड की लिस्ट है, ठीक है। फिर आते हैं विषय अंग्रेजी पर, एंड हियर इज़ द लिस्ट ऑफ इंग्लिश सुपरवाइजर्स एंड मेंशन द नेम ऑफ दैट प्रोफेसर एंड द डेजिग्नेशन ऑफ दैट प्रोफेसर एंड द एड्रेस ऑफ दैट कॉलेज वेयर दे पोस्टेड। Okay, so you can find out the details over here and how many seats are vacant on their part. Okay, so you can check all these details over here, and here is the list for that and around for English subject 12 okay professors available for as a guide, and you can check how many seats are vacant on that particular professor. Okay, and now for here in the Sanskrit. फिर इसके बाद आते हैं संस्कृत विषय पर। तो विषय संस्कृत में भी आप देख सकते हैं कितने प्रोफेसर हैं और उनके पास कितनी सीटें वैकेंट हैं, किस तरह से नाम दिए गए हैं और कितने पद उनके पास खाली हैं। फिर है विषय संगीत म्यूज़िक में कितने प्रोफेसर हैं और कितनी सीटें खाली हैं, उसका भी आप देख सकते हैं। विषय दर्शन शास्त्र यानी फिलॉसफी के लिए है। फिर उसके बाद पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के लिए है। व्यवसाय प्रशासन, ठीक है, बिजनेस से है। फिर देन विषय शिक्षा एजुकेशन में जो प्रोफेसर हैं उनकी ये लिस्ट है और वैकेंट सीट है। नाउ नेक्स्ट इज़, तो इसमें देख सकते हैं जो भी लगभग 20-22 जो हैं सुपरवाइज़र की लिस्ट है, गाइड की लिस्ट है। फिर वाणिज्य विषय यानी कॉमर्स, कॉमर्स में जितने भी ये गाइड हैं शोध निदेशक उनके नाम और डिटेल्स हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं कितने पोस्टें खाली हैं, उनका भी डिटेल है। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। देन गृह विज्ञान में है, होम साइंस में कितने जो शोध निदेशक हैं और उनके पास कितनी सीटें खाली हैं, वो भी आप चेक कर सकते हैं। विषय विधि यानी लॉ पे है, राजनीति शास्त्र यानी पॉलिटिकल साइंस का है, और उसके बाद
नेक्स्ट इसमें हिस्ट्री इतिहास के लिए है, तो आप देख सकते हैं कौन कौन से प्रोफेसर हैं जिनके अंडर में आप पीएचडी कर सकते हैं, ठीक है, और कितनी सीटें खाली हैं, पूरा डिटेल है, तो बिल्कुल आप चेक कर सकते हैं। इस प्रकार से ये इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व, ठीक है, उस डिपार्टमेंट में भी कितने हैं उसको भी आप चेक कर सकते हैं। अर्थशास्त्र में हैं आप देख सकते हैं, ठीक है, तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। व्यावसायिक अर्थशास्त्र में भी है, भूगोल में भी है, ठीक है, तो आप APS यूनिवर्सिटी की वेबसाइट विज़िट कर सकते हैं और वहाँ से ये जो लिस्ट है उसे चेक कर सकते हैं। समाजशास्त्र सोशियोलॉजी में कौन कौन से प्रोफेसर हैं, उनके पास कितनी सीटें हैं, उसका भी डिटेल है। तो इस तरह से सब्जेक्ट वाइज हर मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी, ठीक है, फिर प्राणी शास्त्र जूलॉजी, ठीक है, और उसके बाद बाकी इस प्रकार से पर्यावरण जीव विज्ञान और जैव प्रौद्योगिकी, बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है, रसायन शास्त्र यानी केमिस्ट्री का है, और इस प्रकार से आप देख सकते हैं जितने भी प्रोफेसर्स हैं उनकी पूरी ये लिस्ट है इसमें, तो आप चेक कर सकते हैं। देन मैथमेटिक्स का है, तो जितने भी मैथमेटिक्स के प्रोफेसर हैं उनका पूरी ये लिस्ट है, और उसके बाद है वनस्पति शास्त्र, ठीक है, वनस्पति शास्त्र यानी बॉटनी, ठीक है, इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। बॉटनी के बाद इसमें नेक्स्ट है भौतिक शास्त्र, फिजिक्स, फिजिक्स में जो जो प्रोफेसर हैं उनकी पूरी ये लिस्ट है, और उसके बाद भूविज्ञान यानी जियोलॉजी, भूगर्भ शास्त्र कहते हैं, जियोलॉजी में जो जो टीचर हैं यानी जो भी प्रोफेसर हैं जिनके अंडर में आप पीएचडी कर सकते हैं उनकी ये डिटेल है। फिर है कंप्यूटर साइंस, ठीक है, कंप्यूटर साइंस के बाद है शारीरिक शिक्षा यानी फिजिकल एजुकेशन। तो इस तरह से टोटल लिस्ट थी अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय APS यूनिवर्सिटी में, अगर आप पीएचडी करते हैं तो ये गाइड की पूरी लिस्ट है, तो एक बार आप चेक कर सकते हैं। बस इतना ही है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।